है आपका इंग्लिश और मैथ्स का टेस्ट। तो आ गया ये आपको मैथ्स का टेस्ट तो रिवाइज होगा, मैंने आपको GCR में भेजा हुआ था। और अब आप इंग्लिश का टेस्ट याद करें जब तक मैं आपका मैथ्स का टेस्ट बना लूँ। और आज आपका मैथ्स का टेस्ट होएगा आज बोर्ड पे, तो मैं जब तक बोर्ड रेडी करती हूँ जब तक आप इंग्लिश का टेस्ट याद करें। तो सैन मैंने टेस्ट बना लिया है और आप अभी टेस्ट करें, और क्योंकि आपका बहुत टाइम हो गया इंग्लिश का टेस्ट रिवाइज करते करते, तो इतने में आप टेस्ट करें जल्दी से मैथ्स का। ओके मैं आपका काम चेक करता हूँ सैन। वाह हुसैन आपने तो आज काम बहुत अच्छा किया है, और आज आपको मेरे से गुड भी मिली है क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो हुसैन आपका मैंने इंग्लिश का टेस्ट बना लिया था जब आप काम रिवाइज कर रहे थे, तो आप अपना पढ़ाई ले लें, मैं आपको इंग्लिश का टेस्ट खोल देता हूँ, आप ये बना ये काम इंग्लिश का टेस्ट कर लो। तो सैन आपने काम कर लिए, तो जब तक आप काम कर रहे थे ना इंग्लिश का, तो मैंने इसका टेस्ट बना दिया था आपके लिए, ये ना आप टेस्ट करें, और ये रिवाइजिंग वाली कॉपी मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। और सैन मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गया, और सैन अब मैंने जाना होगा बाहर क्योंकि मुझे प्रिंसिपल ने मीटिंग के लिए बुलाया। मैं 5 to 10 मिनट्स में आपके पास वापस आ रहा हूँ। यार सर तो चलेगा, मैं चीटिंग कर लेती हूँ, सर बुक भी यहाँ भूल गए। चलो मेरा तो रेस्ट हो गया, अब सर क्योंकि अब सर को तो पता भी नहीं चलेगा मैं मेरे सीटिंग की है। हुसैन तो मैं आ चुका हूँ प्रिंसिपल ऑफिस से, और अब आपका टेस्ट हो गया होगा कि नहीं? तो मैं अभी आपका टेस्ट चेक करता हूँ। चलिए मैं आपका टेस्ट चेक करता हूँ अभी। हुसैन आपके तो इस टेस्ट में भी सारे अच्छे मार्क्स आए हैं, इतना कैसे? आपको तो बहुत कम टाइम मिला था टेस्ट करने के लिए, कैसे हुसैन? हुसैन जब आप गए थे मैंने वो याद कर लिया था। अच्छा हुसैन, तो आपको गुड मिलता है। तो हुसैन बात सुने, आप मुझे एक बात तो बताएं, कहीं आपने चीटिंग तो नहीं की? सर मैंने नहीं की, मुझे तो नहीं, मुझे तो लग रहा है आपने चीटिंग की है। हुसैन आप झूठ तो नहीं बोल रहे? अच्छा ठीक है हुसैन, आप मुझे अभी आप बुक की स्पेलिंग सुनाए थे। BOCKEE नो हुसैन, यू आर चीटिंग। यस सर। हुसैन अगर आप चीटिंग करोगे आप मुझे बता देते, आपको याद नहीं था चीटिंग करना ज़रूरी था। आपको पता है अगर अभी आप चीटिंग करोगे तो आगे जाकर क्लासेस में बड़ी क्लासेस में क्या करोगे? हुसैन बहुत बुरी बात होती है, आपने आइंदा के बाद चीटिंग नहीं करनी। हुसैन आपको पता है चीटिंग से अल्लाह ताला मार से नाराज़ होता है, और अगर मैं नहीं देख रहा था तो अल्लाह तो आपको देख रहा था ना, और आगे जाकर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर चीटिंग करोगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की हमारी स्क्रिप्ट अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।